हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत स्टडी सेंटर। तो देखिए, आज सावन का पूर्णिमा है और सावन के पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम लोग अपना गांव, जो कि हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर नीरी गांव के नाम से जाना जाता है, यहां पर हम लोग भ्रमण करने के लिए आए हैं। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग के अंत तक, आपको हम लोग जंगल और पूरा यहाँ के जो झरना है वहाँ हम लोग आपको घुमाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो नदी है वो उधर से जा करके एक डैम है, वहाँ से पानी आता है और इधर आप लोग को जहाँ तक नज़र जाएगा वहाँ तक पूरा का पूरा ये देखिए चारों साइड जंगल ही है। देखिए, वहाँ पर मेरा दोस्त है जो कि वहाँ पर फोटो खींच रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए, वो जो आपको दीवार जैसा लग रहा है वो यहाँ पर पहाड़ था पहले, और वो पहाड़ को काट करके बीचों बीच में ये नदी जो है वो बह रही है। तो ये जो नदी आप यहाँ पर देखें, वो सबसे ज़्यादा कृषि इसी नदी के पानी से हमारे गाँव में किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रेत है, क्योंकि नदियाँ जो है वो अपने साथ जो रेत लाई, जो मिट्टी लाई और जो ये कंकड़ लाई वो यहाँ पर निक्षेपित कर दी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है वो काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए मैं आपको बाइक कैमरा से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सूर्य अब बिल्कुल ढल ही चुका है और ये अब शाम हो ही चला है और यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं, चारों साइड जंगल ही जंगल, चारों साइड जंगल देखिए, और इस जंगल के बीच में ये बहती हुई नदी कितना ज़्यादा सुंदर प्रतीत हो रहा है, बहुत ही आकर्षक दृश्य है यहाँ का। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये लंबे लंबे जो आपको पौधा नज़र आ रहा होगा, ये झारखंड का बहुत ही प्रसिद्ध पौधा है। देखिए अभी देखिए, भादो आने वाला है और इस भादो में क्या होगा कि ये जो है इसको हम लोग गांव के भाषा में काफ़ी बोलते हैं, और इस काफ़ी का प्रयोग होता है जो कर्मा जो त्यौहार है हम लोगों का, जो यहाँ के जनजाति और जो सदान मनाते हैं, वो इसी काफ़ी का प्रयोग करके छोटे छोटे ये लोग बीनते हैं यहाँ की युवतियाँ, और उसको कर्मा डाल पर सजाती हैं। और इस काशी का प्रयोग यहाँ के लोग जो हैं वो रस्सी बनाने के लिए भी करते हैं। तो देखिए, यहाँ का नज़ारा जो है वो काफ़ी बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रहा है। देखिए ये नदी जो है वो बहते बहते वो आगे की ओर बढ़ती जा रही है।
और आप यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आप पौधा देख रहे होंगे, ये जो पौधा है वो पलाश का पौधा है। पलाश वही पलाश जो कि झारखंड का राजकीय पुष्प है। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो इस पर लाल लाल रंग के फूल खिलेंगे और वो जो फूल होगा वो झारखंड का राजकीय पुष्प होगा। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं चारों साइड जितने भी बड़े बड़े आपको जो नज़र आ रहे हैं वृक्ष, वो वृक्ष जो है वो झारखंड का राजकीय वृक्ष है, झारखंड का राजकीय वृक्ष जो कि साल है। और ये सभी साल का वृक्ष है, देखिए देखने में काफ़ी सुंदर प्रतीत हो रहा है। ये मेरा दोस्त है और हम लोग दोनों यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं, इसका नाम है अभिमन्यु। तो देखिए प्रकृति की वादियों में हम दोनों मित्र भटक रहे हैं और काफ़ी आनंद महसूस कर रहे हैं। कैसा लग रहा है मित्र? सुकून भरी ज़िंदगी। तो दोस्तों अब हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि पानी का बहाव जो है वो काफ़ी तेज़ है और धीरे धीरे अभी हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों से अब पानी जो है वो उतर चुकी है और अब ये नदियों से होते हुए अब समुद्र में जा कर के मिलेगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो नीरी का गांव है वो यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है। और यहाँ पर देखिए पर्याप्त साधन ना होते हुए भी यहाँ के लोग देखिए किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग निकल चुके हैं नीरी गांव के लिए। बाबा नीरी है नहीं जातीन। देखिए ये बाबा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि नीरी गांव का रास्ता जो है वो यही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहिए आप इस ब्लॉग के अंत तक। तो ये देखिए अब हम लोग आ चुके हैं नीरी गांव, घर जो है वो दिखने लगे हैं। पूरा गांव से केरेडारी गांव से 20 किलोमीटर दूर जंगल में बसा हुआ गांव, जंगलों के बीचों बीच, जंगल के पूरा बीचों बीच में देखिए यहाँ के बच्चे और यहाँ की मुर्गियाँ। नीरी कहाँ जाती है? नीरी तो देखिए ये नीरी का गांव यहाँ से स्टार्ट होता है और ये भाई साहब ने नीरी गांव का रास्ता भी बताया है। ये देखिए यहाँ पर एक और नदी, खूबसूरत सा नदी, वही नदी जिस नदी में अब हम लोग अभी थे और यही नदी जो है वो बह करके वो वहाँ पर गई थी। अब यहाँ पर देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, गाड़ी क्रॉस करेगा। तो देखिए बीचों बीच में एक नदी पड़ गया है और यहाँ पर हमारे पास समस्या है कि अब ये गाड़ी को क्रॉस कैसे करवाया जाए, इस इतना पानी का इतना बहाव तेज है और देखिए कैसे संभव हो पाता है। हमारा मित्र कोशिश में लगा हुआ है, सबसे पहले ये पैर से नाप करके देखेगा कि ये गड्ढा कितना है, उसके बाद बाइक को आगे ले जाएगा। ये देखिए यहाँ का जो नज़ारा है कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। जो लोग इन प्राकृतिक दृश्य में इन प्रकृति के बीच में जो लोग रहेंगे उनको कभी भी किसी तरह का कोई भी बीमारी नहीं होगी, एकदम पोल्यूशन फ्री जगह है ये। कितना गड्ढा है जाएगा? इतना ही है, चल जाएगा। हाँ पार करो। तो देखिए देखिए ये चाचा ने भी बोला है कि गाड़ी पार हो जाएगी, तो हम लोग चलिए देखते हैं। हाँ पार करो। पानी का बहाव को आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा तेज है। वो देखिए हमारा दोस्त पानी में गाड़ी को पार कर रहा है, उस नदी के पार चला गया। ये देखिए आप नदी के पानी का बहाव का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, चारों साइड जंगल और बीच में नदी, एकदम पोल्यूशन फ्री जगह है ये। ताजगी वायु, शुद्ध हवा और इन शुद्ध हवाओं के बीच में एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा गांव और ये देखिए एक छोटा सा नदी और है।
पार हो जाएगा भाई आराम से। और ये जो आपको छोटा सा पौधा है जो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था, ये झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश का। और ये देखिए बांस है। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये महुआ का पेड़ है। तो ये देखिए दोस्तों, आपको जहाँ तक आपको नज़र जाएगा यहाँ पर महुआ का पेड़ है। महुआ का पेड़ आप लोग को पता होगा कि इसके फूल से झारखंड में शराब बनाने का काम आता है, और उसका जो फल निकलता है, जो बीज निकलता है, उससे तेल निकालने का काम आता है। तो चलिए थोड़ा और दूर जा करके हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। इधर से चलते हैं। ये जो जगह है दोस्तों, ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री जगह है। थोड़ी सी भी पोल्यूशन यहाँ पर नहीं है।
यहाँ गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाता। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर झारखंड में गवर्नमेंट का जो स्कीम होता है वो यहाँ तक एकदम पहुँच ही नहीं पाता है, केरेडारी गांव तक ही सीमित रह जाता है और इधर पहुँच ही नहीं पाता है। तो झारखंड सरकार से निवेदन करूँगा कि ये जो हमारा निरी गांव है यहाँ तक झारखंड का जो स्कीम है, जैसे कि कुआँ हो गया वगैरह वगैरह चीज़ जो हो गया यहाँ तक, सबसे बड़ी बात मुख्य बात ये है कि यहाँ पर जो सड़क एकदम भी सड़क नहीं है। आप लोग देखे ही होंगे कि यहाँ पर लोग जो है वो किस तरह से रह रहे थे, और यहाँ पर सड़क एकदम कच्ची सड़क है और बरसात के दिनों में एकदम पानी के वजह से ये कीचड़ हो जाता है। ये बहुत ही सुंदर सा गांव, बहुत ही लुभावन सा गांव है। यहाँ के लोग देखिए किस तरह से जीवित रहते होंगे, आप थोड़ा सा आप अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि गांव में क्या होता है और शहर में क्या होता है कि लोग थोड़ी सी भी एक मिनट भी के लिए भी जब नेट बंद कर दी जाती है तो लोगों के पसीने छूटने लग जाते हैं। लेकिन इस गांव में ना तो नेट की सुविधा है, ना ही बिजली की सुविधा है। पानी तो है लेकिन बिजली, देखिए बिजली तो आ गई है लेकिन शायद यहाँ पर बिजली रहती है कि नहीं रहती है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। चलिए पूछते हैं इस भाई साहब से यहाँ से। केरेडारी, केरेडारी बिजली रहता है यहाँ पर? नहीं भैया, सात महीना से कहाँ बिजली आया, आमा प्रसाद से बिजली लेकर गया से दुनिया में नहीं लेता है। देखिए यहाँ के अंकल का कहना है कि यहाँ पर बिजली 6-7 महीना से है ही नहीं। देख रहे हैं हमारा फोटो है, देखिए लुंगी वाला हमारा फोटो है, देखिए मतलब कि एकदम निम्न गांव है यहाँ। बस यही छोटे बस्ती है निरी? नहीं छोटे नहीं है, आप तो पहले छोटे था, बाकी अभी 60 पार कर रहा है। बस यही आगे तक बंद, नहीं नहीं कहाँ खेरा में वो घर तक ले घूरना था, जहाँ से आए वहाँ तक फिर घूरना है। अच्छा वैसे वैसे रास्ता है? हाँ रास्ता है, बस जाएगा। अच्छा ठीक है, नक्शा ले जा रहे हैं तक, ठीक है वहाँ नगेंद्र का। तो आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखा कि एक अंकल ने बताया कि 6-7 महीना से बिजली यहाँ पर नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जब बिजली नहीं है तो यहाँ के लोग किस तरह से अंधेरे में रह करके इस विद्यालय तक पहुँच गया हूँ, और अब मैं अपना गांव रिटर्न जा रहा हूँ। तो देखिए राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय निरी, अब पता नहीं इतना दूर, हमें तो नहीं लगता कि शिक्षक को गवर्नमेंट टीचर इतना दूर तक आ पाते होंगे, क्योंकि केरेडारी गांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर अभी हम लोग हैं और यहां पर स्थित एक विद्यालय है। वाह, तो झारखंड सरकार को चाहिए कि इस स्कूल में भी शिक्षक की व्यवस्था करे ताकि यहाँ के भी बच्चे पढ़े और शिक्षित बने, ताकि हमारा मोदी जी का सपना जो है कि एक शिक्षित राष्ट्र का निर्माण हो, वो निर्माण हो सके। देखिए यहाँ पर बिजली का ट्रांसफार्मर तो है लेकिन 6-7 महीने से बिजली नहीं है, ये तो बहुत दुख की बात है हमारे झारखंड सरकार के लिए। जो उधर उधर से वहाँ तक काम चला है, तो अब हम लोग अब निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और दोस्तों आपने घुमा निरी गांव और आप लोग ने यहां पर देखा किस तरह से यहां के लोग जो है वो निवास कर रहे हैं। न तो यहां पर पर्याप्त सड़क है, न ही जल है, न ही बिजली की सुविधा है, और यहां पर सिर्फ एक कोई सुविधा यातायात का, कोई यातायात का भी कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि एक अच्छी सड़क में आप खुद पहुँच सकते हैं। अगर आप गाँव में रह रहे होंगे तो वहाँ पर एक अच्छी सुविधा होगी, और अगर आप शहर में रह रहे होंगे तो क्या कहना है। लेकिन यहाँ के लोग देखिए कितनी खुशहाल थी इस गाँव में, पर्याप्त संसाधन न होते हुए भी उनके चेहरे पर स्माइल थी, और वो स्माइल जो है ना वो करोड़ों में जब है। बस जीवन में खुशियाँ ढूंढिए और हमारे साथ ब्लॉक में बने रहिए, और बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो देखिए फिर से हम इस नदी पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कुछ बच्चे लोग हैं, तो चलिए बच्चे लोग से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। बाबू तुम इनके घरवा यहीं हो, तो यहाँ पर स्कूल उस्कूल तुम जा ही? अच्छा तुम मेहमान, मेहमान है कि बाबू तुम स्कूल जा ही? तू मेहमान है कि तू रे स्कूल जा ही? तू कौन स्कूल जा ही?
निरीह स्कूल वहाँ टीचर हथुन वहाँ पढ़ावे वाले कई गो टीचर हथुन तीन गो चलो पारो के गाँव के टीचर हथुन की हाँ बाहर से आओ थुन। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ के प्यारे प्यारे बच्चे बहुत ही खुश प्रतीत हो रहे हैं सभी के सभी। और यहाँ पर देखिए बकरियाँ चरा रहे हैं ना बाबू, बकरी चरा रहे हो तुम लोग। देखिए कितनी खुशी है इनके चेहरे पर, मतलब कि संसाधन न होते हुए भी प्रकृति की वादियों में खुश कैसे रहना है ये इन छोटे छोटे बच्चों से सीखिए आप।